السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين پھر جب قاسد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے कासदों ने रसूलों ने कहा कि आप खौफ न खाएं न रंजीदा हों हम आपको माँ आपके मतलकिन के बचा लेंगे मगर आपकी बीवी जो कि अजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी लूत सलासलाम के पास अजाब के फरिश्ते आए इससे पहले चूंकि इब्राहिम को उन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा वाक़ होने वाला है अब अजाब के जब फरिश्ते आए तो वो इंसानी शक्ल में खूबसूरत इंसानों की शक्ल में आए शक्ल इंसानों की थी खूबसूरत इंसानों की शक्ल तो लूत डर गए किस बात से डर गए इस बात से डर गए कि मेरी कौम तो लिवातत कर रही है अब इन खूबसूरत मेहमानों को देखेगी ऐसा ना हो कि इनके साथ भी लिवातत करे तो कितनी बड़ी रुसवाई और बेइज्जती होगी तो इस वजह से रंजीदा हो गए और खौफ खाने लगे फरिश्ते समझ गए इन बातों को तो कहा कि देखो न तो रंज करो न गम करो खौफ भी मत खाओ हम आपको और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं आपके रास्ते पर चलने वाले इन तमाम को बचा लेंगे आपकी बीवी जो आपके रास्ते पर नहीं है वो आजाब के लिए बाकी रह जाएगी तो इस तरह से लूतम को फरिश्तों ने तसल्ली दी दूसरी जगह अल्लाह ने उसकी वजाहत भी की कि जब लूत अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते अच्छे खूबसूरत इंसानी शक्ल में आए तो कौम लूत के जो शरपसंद लोग थे जो बुराइयों में मुलिस थे खूबसूरत नौजवानों को या लौंडों को देख करके उसके पीछे दौड़ पड़ते ख्वाहिश पूरी करने के लिए दौड़े वहाँ पर कि ये तो बहुत बेहतरीन खूबसूरत नौजवान मिल गए लाइए इनके साथ लिवात करते हैं लूत अलैहिस्सलाम ने कहा भी क्या कौम बनातीन्ना तहारम फतखल्ला तुखन फी अलई समिन को मिल रशीद अए मेरी कौम के लोगो तुम निकाह करो शादियां कर लो ये बेटियां हैं हमारी तुम्हें जिनसी ख्वाहिश पूरी करना है तो रिश्तेवाज में लाओ घर बसा लो और उसके बाद पाकिजा जिंदगी गुजारो ये मेहमान हैं मेहमानों के सामने हमें रुसवा ना करो ना तो मेहमानों को रुसवा करो मेरे मेहमानों के मामले में ये रुसवाई और फिर कौम से कहा कि अलह समिन को नशीद ये इतनी बड़ी कौम है इतना बड़ा समाज है क्या इसमें एक भी अच्छा और नेक आदमी नहीं है क्या सब के सब लोग इसी बुराई में है अब सोचिए कि ये यहाँ तक माहौल पहुंच गया था यानी एक तरह की रंजीदगी खौफ यहां तक उनके अंदर आ गया कि कौम के लोग जब टूट पड़े खूबसूरत मेहमानों को देख करके तो नूर तलातम ने अपना जो पैगाम रखा और आखिर में कहा अलह समिन को रशीद क्या तुम्हारे अंदर कोई एक भी आदमी नहीं है जो नेक और साले हो साल की बात सुने तो इस आयत में लूत असलातलम के पास अल्लाह ने फरिश्तों को इंसान शक्ल में भेजा खूबसूरत इंसानों की शक्ल में उसका जिक्र है कौम लूत उन पर टूट पड़ी अपनी जो है जिनसी ख्वाहिश पूर्ण करने के लिए लिवादत के लिए लूत इस्लाम ने अल्लाह का वास्ता दिया और उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए बेटियाँ पेश की कि इनसे निगाह करो शादियाँ करो साफ सुथरी जिंदगी गुजारो और फिर उनकी बुराई पर उन्हें आर दिलाया गैरत दिलाई कि क्या सब ऐसे ही गए गुजरे हो एक भी आदमी नेक उसाले नहीं है तो ये तीन चीज़ें इस आयत में है पहली चीज़ अल्लाह ने फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा एक चीज़ उन्हें न कौम के लोग पहचान पाए न लूत इस्लाम पहचान पाए पहली चीज़ दूसरी चीज़ के ने उन्हें उस बुराई से रोका और मेहमान की इज्जत और तकरीम की खातिर उन्हें बेहतरीन नसीहत की तीसरी चीज़ के फरिश्तों ने उन्हें तसली दी कि आप रंजीदा और गमजदा ना होइए तो इस आयत का बड़ा खसूस पैगाम है जिसमें बड़ी वजाहत से अल्लाह ने बताया कि अल्लाह तब अपने बंदों को अल्लाह अपने नेक बंदों को रंजीदा देखता है तो फ़ौर उन्हें तसली देता है अलायाल् खौफम यह जनून अल्लाह के बंदे कैसे रंज में रहेंगे अल्लाह के बंदों में खौफ किस बात का रहेगा डरे तो वो रंजीदा तो हुए हालत को देख कर के लेकिन फ़ौरन अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि कभी ऐसा ना हो आप रंजीदा भी मत होइए खौफ भी मत खाइए और फिर बताया कि हम इस इस मकसद से आए हैं और इनको तो हिला कर देंगे आपकी बीवी वो भी हिला हो जाएगी बस आपसे जो जुड़े लोग हैं आपसे वो बचेंगे तो किसी के अंदर खौफ अगर है तो एक उसलूब कुरान ने दिया कि खौफ को दूर किया जाए हमेशा खौफ को दूर किया जाए डराना धमकाना इतना खौफ दिलाना कि आदमी उसी की वजह से बेहोश हो जाए गिर जाए ये दुरुस्त नहीं है ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि खौफ का इजाला किया जाए एक मरतबा सऊदी अरब के अदालत में हम लोग बैठे हुए थे कत्ल का मुकदमा था तीन चार बार वो केस आया और जजों का फैसला चार पांच छह तारीखों को देने के बाद होता है एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया था लोहे के सरिये से मार करके गुस्से में आकर के तो पुलिस वगैरह का जब केस हुआ फिर अदालत में मुकदमा हुआ और एक लंबी मुद्दत के बाद जब कत्ल का जुर्म साबित हो गया और उस शख्स को जिसने कत्ल किया था उसे नहीं पता था कि मैंने जिसे मारा था वो मर गया वो सोचा कि हॉस्पिटल हाँ में होगा तो जब फैसले के दिन उसे बताया गया कि वो मर गया है उसका हलक सूख गया उसका चेहरा बदल गया काजी ने जज ने फौरन घंटी बजाई और कहा पानी लाओ एक गिलास पानी और कहा कि इसको पानी पिलाओ वो जो आदमी कतिल था उसको पानी पिलाया थोड़ा सा उसे इतमान हुआ कहा जो होना था तो हो गया तुम अब बंद घबराओ तुम्हारे साथ वही होगा जो अल्लाह के निजाम में होगा तो वहां मैंने देखा के लिए मैं वहां पहुंचा था कि उस घबराहट के मौके पे सबसे पहली चीज की उसकी तसल्ली के लिए उसने पानी पेश किया पानी पिया और उसको इत्मीनान हुआ तो परेशानी या घबराहट के मौके पे तसल्ली देना यह अल्लाह का एक दस्तूर है निजाम और जब उससे बड़ी तसल्ली कि हम आपको अजाब से भी बचा लेंगे खौफ मत खाइए रंजीद मत होई हम अजाब से आपकी हिफाजत करेंगे तो ये तसल्ली का उसलूब अल्लाह ने अपनाया और यही उसलूब समाज में हमें भी अपनाना चाहिए कि लोगों को खुशखबरी दें लोगों में खुशी फैलाएं रंजिन फैलाएं शैतान आदमी को रंजीदा करता है लेकिन ईमान वाला लोगों में खुशखबरी फैलाता है बशारत फैलाता है दिलों में सुरू फैलाता है इसीलिए हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी मोमिन बंदे के दिल में खुशी डाल दो तो ये भी एक नेकी है नेकी करार दिया गया तो ये उसलूब अल्लाह ने कुरान के अंदर दिया है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलों के रास्ते पर चलने की तौफीक क़ता फ़रमाए और कौम नूह की जो तबाही का जिक्र है अजाब का ज़िक्र है अल्लाह उनके वाक़ से उनकी सरकशी से उनकी तबाही से हमें इबरत हासिल करने के तोफ़ी बख्शे आमीन, सामिन केराम, नाजरन केराम। अब उसके बाद अजाब करीब हुआ नाजिल हुआ फिर कैसे उन्हें हलाक किया गया इसकी तफसील जानने के लिए इन अगली मजलिस में हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए जजाकुल्लैर असलम्लैक्म वरहि वबरकू अल्हमदुल्लाह इस क्लिप को बनाने में आसमा परवीन ने अपने वालिद मोहम्मद ईसा और अपनी बहन आतिया परवीन की तरफ से सदकाए जारिया के लिए ताउन किया है दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें